अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, की हाल है तुहाडा? उम्मीद है तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीयत नाल होवोगे। अल्लाह ताला तुहानूं पंज दरबार दे सदके हमेशा खुश ते आबाद ते हसदा ते मुस्कुरांदा रखे। तुसीं देख रहे हो जरी जी देसी किचन यूट्यूब चैनल, ते अज दी रेसिपी आपां लैके तुहाडे वास्ते माश दी दाल दे दही बड़े बनाउण दा तरीका, रोज़ियां तों पहले पहले इहनां नूं बना के महफूज़ करन दा तरीका लैके आई हां मैं तुहाडे वास्ते। जदों रमज़ान आउंदा वे ते उदों काफ़ी बंदा मसरूफ हो जांदा वे, तो इस वास्ते मैं अपनी भैनों यह कहना चाहनी हाँ कि तुसी पहले पहले सारी तैयारी करके रख लवो, घर दियां सफाइयां वगैरह, बिस्तरे वगैरह, बर्तन ये वो हर चीज़ साफ सुथरी कर लवो। तो जिहड़ियां रेसिपियां वगैरह ने यह भी तुसी जिहड़ियां बनाउण वालियां ने कि जिहड़ियां रोज़ रोज़ बनाउणियां वह पहले ही तुसी बना के फ्रीज़ कर लवो। तो वह वाले तरीका मैं लैके आई हाँ, तो माश के दाल के बड़े दही बड़े। तो चलो रेसिपी नूं स्टार्ट करने हैं। माश की दाल एक पाइया सी, यह मैं रात नूं भेज दित्ती सी। तो पर मैं दस नहीं तरीका, सब तो पहले आप जग लवेंगे, ये दाल पा देंगे, दाल आप ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह मैं ग्राइंड करके तो फिर थानू मिलनी है। चलो जी हम आप इस बोल च पा देंगे, पेस्ट टाइप आप बनानी है। एक चीज़ तुसी वेख सकते हो कि यह आप बिल्कुल पेस्ट टैप बनानी है। हाफ चम्मच आप बेकिंग पाउडर पा देंगे, मिठा सोडा चाहे पा लो, पाए चाहे बेकिंग पाउडर पा लो। हाफ चम्मच काला नमक पा देंगे, इस तरह थोड़ी जी काली मिर्च पा देंगे। हुण आप इस तरह मशीन नाल इस तरह 6-7 मिनट ना इस तरह ग्राइंड कर देवे। अगर तुहाडे कोल दूसरा बीटर है तुसी उहदे नाल कर सकते हो, मशीन है तो उहदे नाल ईजी है। वेख सकते हो माशाल्लाह कितनी सोहनी, बिल्कुल मुलायम होने चाहिए ने। यह तुसी वेख सकते हो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बस इन्नी क होवे। पहले भी मैं एक रेसिपी तुहानू दही बड़िया की दिती है, वह यानी कि वह मैं सारी उहदे विच चीज़ां पाइया ने, चने आलू ये वो, ये बस आप इस तरह ही बना के महफूज करने ने। जो दही बड़े बनाए हफ्ताई टाइम उदो आप मैं तुहानू दसनी आ। 2 मिनट होर आप मशीन चलावे। चलो जी हुण आपां ये बंद कर दिंदे आ, ते अद्धा घंटा आपां इस तरह छड्ड दिंदे आ। उस तों बाद मैं तुहानूं दूसरा तरीका यानी कि बाकी दा दस्सनी आ। नाल नाल ही रहो, अगर तुहानूं रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करियो, सबसक्राइब कर दिओ। चलो जी अद्धा घंटा हो गया अपना, तो आपां हुण इस प्याली च पानी लवेंगे, तो थोड़ा जिहा पेस्ट इहदे च पा के देखांगे। अगर तो तरन लग पिया तो समझा गया अपना पेस्ट बिल्कुल तैयार है, अगर नीचे बैठ गया तो फिर आपां थोड़ी देर होर ग्राइंड करांगे। यह तुसी वेख सकते हो कि उपर टैल रहा है, तो हुण यह बिल्कुल अपना पेस्ट सैट है। तो हुण आपां फ्राई करने आ, बाकी दा तरीका मैं तुहानूं दस रही हाँ। चलो जी आयल अपना गर्म हो गया, तो हुण आपां इस तरह गोल गोल करके बना लाँगे। चलो जी 1 मिनट बाद हुण आपां इस तरह उलट पलट कर लाँगे। ये अपने फ्राई हो गए तो आप इस तरह कढ लैने। चलो जी ये आपां इस तरह की कटोरी में रख देंगे ताकि जिहड़ा आयल वगैरह नुचड़ जाएगा, बाकी दे भी आपां इस तरह ही बना लाँगे। चलो जी ये भी अपने भल्ले तैयार हो गए ने, वेख सकते हो तुसी। चलो जी यह वाला पूरा अपना आखिरी रह गया, यह भी आप इस तरह उलट पलट कर लाँगे। चलो जी अपने बड़े हो गए ने तैयार, ठंडे होंगे ने, तो मैं थानू इदा महफूज करन दा भी तरीका दसनी हाँ। चलो जी ठंडे हो गए ने, तो हुण आपां इस तरह के एक छापर लवेंगे, ये महफूज कर ला, अगर कोई डब्बा वगैरह आए तो उहदे विच भी आपां ना इस तरह महफूज कर सकते हैं। चलो जी इस तरह आपां फ्रीज कर देंगे, जो दिल किया दही बड़े बनाए अफतारी टाइम तो जिन्ने चाहिए उन्ने कड ले। इस तरह का एक बोल पानी का लैके तो यह जिन्ने एक बनाने ने उन्ने कप इस तरह पानी के रख देंगे 1 मिनट वास्ते। चलो जी 1 मिनट हो गया, हुण आपां इस तरह निचोड़ लाँगे। चलो जी इस तरह दही पा देंगे, नमक पाया। चलो जी खुदा हाफिज़।